दोस्तों आज के इस वीडियो में बताएंगे कि 2020 में किस तरह सीएससी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और किस तरह 2020 में आप एक सीएससी आईडी ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे आपको अप्लाई करना होगा, कैसे आपको सीएससी आईडी मिलेगा और पूरी विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जब सीएससी रजिस्ट्रेशन करने के लिए register.cse.gov.in की वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पे एप्लीकेंट टाइप में सीएससी वीएलई को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है टीईसी सर्टिफिकेट नंबर देने के लिए। तो टीईसी सर्टिफिकेट नंबर अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे टीईसी सर्टिफिकेट नंबर मोबाइल नंबर देंगे और इस कैप्चर को यहाँ पे फिलअप करेंगे, उसके बाद सबमिट बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद का जो प्रोसेस है मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आपके पास टीईसी सर्टिफिकेट नहीं है तो टीईसी सर्टिफिकेट लेने के लिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। टीईसी सर्टिफिकेट लेने के लिए यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक मिल रहा है टीईसी सर्टिफिकेट, इस पे क्लिक करके मैं इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग मॉड्यूल दिए गए, मतलब यहाँ पे आपको किस कोर्स के बारे में बताया जाएगा, सभी तरह के यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। B2B सर्विस के बारे में, कॉमन सर्विस के स्कीम के बारे में, डिजिटल पोर्टल के बारे में, सारे यहाँ पे फिनांस इन अकाउंटिंग के बारे में, GST के बारे में, सभी तरह के बारे में यहाँ पे आपको एक मॉड्यूल दे दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद होम पे आएंगे और यहाँ पे लॉग इन विथ अस पे क्लिक करेंगे। देखिए TEC सर्टिफिकेट अगर आप पहले से CSC VLE हैं तब भी आपको देना होगा, ठीक है। तो अगर आप CSC VLE है तब आपको यहाँ पे 590 रुपये सर्टिफिकेट की चार्ज लगेगी, अगर आप CSC VLE नहीं है तब आपको लगेगा यहाँ पे, तब यहाँ पे आपको लग जाएगा 1480 रुपये। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर बटन में क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टर बटन में क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना होगा, यहाँ पे ईमेल, सबसे पहले आपका अपना फुल नेम, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, उसके बाद इस बॉक्स में आपको फादर मदर हस्बैंड किसी का नाम, उसके बाद यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको आपका जो जिला होगा वो जिला आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ अपना फुल एड्रेस देंगे, उसके बाद यहाँ पर जनरल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देंगे और यहाँ पर सबसे पहले ईयर को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मंथ को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डे को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो अपलोड करेंगे जिसकी 50 KB से कम होनी चाहिए, उसके लिए यहाँ पे चॉइस फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे। देखिए फ़ोटो सेलेक्ट हो चुका है, उसके बाद सबमिट बटन में क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सबमिट बटन में क्लिक करेंगे यहाँ पे ये पेमेंट मोड पे आपको ले आएगा, तो यहाँ आपको पेमेंट करना होगा, यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से सभी तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, भारत QR से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। चलिए UPI से करेंगे, UPI को सेलेक्ट करेंगे, फ़ोनपे को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे UPI नंबर देंगे। UPI नंबर देने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा, तो उसके बाद आपके फ़ोनपे पे एक पॉपअप गया होगा, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करेंगे वहाँ डिटेल देंगे पेमेंट के, यहाँ पे मुझे फ़ोनपे पे रिक्वेस्ट है, मैंने पेड कर दिया, जैसे मैंने पेमेंट पेड किया तो वैसे यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पे यूजर नेम हमें मिल चुका है जैसे आप देख पा रहे हैं, और पासवर्ड जो इनका मोबाइल नंबर होता है यहाँ पे देख लीजिए यूजर नेम, तो ये हमारा यूजर नेम हो गया और पासवर्ड जो इनका मोबाइल नंबर हो गया। तो इस यूजर नेम को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मोबाइल नंबर पासवर्ड देंगे, उसके लिए यहाँ पे लॉग इन विथ अस पे फिर से क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे इससे पहले जो मैंने रजिस्टर किया था अब लॉग इन करेंगे, यहाँ पे लॉग इन बटन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो यूजर नेम हमें मिला वो यूजर नेम देंगे और यहाँ पे नीचे हम पासवर्ड देंगे, तो यहाँ पे यूजर नेम देंगे और पासवर्ड देंगे मोबाइल नंबर। जैसे ये दोनों चीज इंटर करेंगे उसके बाद लॉगिन बटन में क्लिक करेंगे, जैसे ही लॉगिन होगा आपका यूजर नेम, आपका नाम, कब अकाउंट क्रिएट हुआ, लैंग्वेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ आपका फोटो वगैरह, आपका जो यूजर नेम है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो आप देख पा रहे दो नंबर में लर्निंग, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे मॉड्यूल मिलेंगे आपको, जितने यहाँ पे आपको टोटल
10 मॉड्यूल मिलेंगे। सभी मॉड्यूल को आपको पढ़ना हो यहाँ पे पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वीडियोज़ के माध्यम से या हिंदी वीडियोज़ के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको एग्ज़ाम देना होगा। सभी मॉड्यूल को आप यहाँ पे पीडीएफ या हिंदी वीडियो या इंग्लिश वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ना होगा। ये आपको 10 लेसन यहाँ पे दिए जाते हैं, 10 मॉड्यूल दिए जाते हैं, जो ये सब आप पढ़ लेंगे अच्छे समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पीडीएफ के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, जिसके माध्यम से आप पढ़ना चाहें पढ़ के समझ सकते। ये एक तरह का क्लास हो गया जहाँ पे आप पीडीएफ के माध्यम से, इंग्लिश वीडियोज़ के माध्यम से, हिंदी वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जिसे भी पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पे सभी तरह की सेवा उपलब्ध किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे असाइनमेंट पे। उसके बाद यहाँ पे सभी मॉड्यूल आपको 10 मॉड्यूल मिल जाते हैं जो आपने वहाँ पे लेसन किया था मॉड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लेसन लेना होगा, उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद सबसे एक एक मॉड्यूल को आपको एग्ज़ाम देना होगा। यहाँ पे 10 मार्क का होगा और इसमें आपको कम से कम 4 प्लस मार्क लाना होगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर फर्स्ट देख सकते हैं, नंबर फर्स्ट का जो आइकन है वो अनलॉक है, मतलब इसका भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे फर्स्ट मॉड्यूल, तब दूसरा मॉड्यूल आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम देने के लिए इस लॉक वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लॉक पे क्लिक करेंगे। जैसे लॉक पे क्लिक, यहाँ पे स्टार्ट एग्ज़ाम है, स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सभी तरह के क्वेश्चन आंसर मिलते हैं। इसकी ये जो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध कराए गए हैं, और इसका जो सही जवाब वो आपको देना होगा। यहाँ पे जो हमें मिला सवाल, वो वही सवाल आपको भी मिल सकता है, लेकिन यही उल्टा फेर कर देता है इन्होंने। जो सवाल मुझे 1 नंबर मिला, हो सकता है वो सवाल आपको 10 नंबर मिला, ठीक है। इसी तरह सवाल एक ही रहता है घुमा फिरा के, जो हमें 1 में मिला वो आपको 10 में मिलेगा, जो आपको 10 में मिला वो हमें 3 में मिलेगा। सवाल एक ही रहता है, ठीक है, नंबर चेंज कर देता है। तो यहाँ पे देखिए जो भी दिया गया है वो इसका क्या आंसर है कि नए विचार के साथ नया उद्यम शुरू करना उद्यमिता कहलाता है। इसका सही जो जवाब है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अगर सही है तो सही सेलेक्ट करेंगे, अगर गलत है तो गलत सेलेक्ट करेंगे। जो भी इसका सही जवाब वो सेलेक्ट करेंगे, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को फिलअप करेंगे। इसी तरह आपको सभी मॉड्यूल दिए गए, सभी मॉड्यूल को आपको कंप्लीट करेंगे। अगर मॉड्यूल के बारे में आपको एक वीडियो चाहिए, उसके बारे में अलग से वीडियो दे दूंगा। तो यहाँ पे इसका सभी इसका जो सवाल है वो आप यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट करके आप एक मॉड्यूल में 10 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को आप यहाँ पे फटाफट फिलअप कर देंगे। उसके बाद ये 10वां सवाल है, ये इस सवाल का जो आंसर है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जाम सबमिट का बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, तो जैसा आप देख पा रहे हैं मेरा फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है, जो 10 मार्क का था, जिसमें 5 मार्क हमें मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस में भी आप पास दिखा रहा है, 5 मार्क मिल चुका है। स्टेटस पे जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखाएगी, यहाँ पे आपको बधाई भी मिल चुकी है, कंग्रेचुलेशन, आप एग्जाम मॉड्यूल फर्स्ट पास कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो अनलॉक है, दूसरा ताला अनलॉक हो जाता है, फर्स्ट पास हो गए हैं और दूसरा ताला जो वो अनलॉक हो चुका है। दूसरी मॉड्यूल के एग्जाम देने के लिए दूसरी लॉक पे क्लिक करेंगे। इसी तरह आपको सभी मॉड्यूल का एग्जाम देना होगा। स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। सभी मॉड्यूल को आपको पास करना होगा। अगर एक मॉड्यूल में आप फेल कर जाते तो उसमें आप फिर से दोबारा एग्जाम ऑनलाइन दे सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, उस लिंक के माध्यम से ज्वाइन होकर आप हमें ग्रुप में पूछ सकते हैं किसी भी तरह की जानकारी। तो इसी तरह आपको जितने मॉड्यूल थे मॉड्यूल को पास करना होगा और 10 मॉड्यूल को पास करना होगा। चलिए सबसे पहले पास कर लेते हैं। तो इसी तरह सभी मॉड्यूल को आपको पास कर लेना है। जिसमें पास हो जाएंगे, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे पास 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 पास, कम से कम 3 मार्क्स से ज़्यादा लाना होगा आपको पास करने के लिए, ठीक है। जब आप पूरी मॉड्यूल को
कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी कंप्लीट में जीरो दिखा रहा है, 2 से 3 दिन वेट कर लेंगे तो यहाँ पे ये जो आपका मॉड्यूल है वो भी कंप्लीट में 10 दिखाएगा और यहीं पे एक बार आपको सर्टिफिकेट जनरेट करके दे दिया जाएगा। जब सर्टिफिकेट जनरेट करके आपको दे दिया जाएगा उस सर्टिफिकेट पर सर्टिफिकेट नंबर रहेगा तो फिर से इस वेबसाइट पर आएंगे। CSC रजिस्ट्रेशन करने का आपको कोई चार्ज नहीं लगता है, सिर्फ TEC सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करने का आपको चार्ज लगता है। तो फिर से इसी वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पे CSC VLE को फिर से अप्लाई करने के यहाँ एप्लीकेशन टाइप को CSC VLE को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उस सर्टिफिकेट में TEC नंबर रहेगा, उस TEC नंबर को यहाँ फिलअप करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे उसके बाद डिस्क्रिप्शन को यहाँ फिलअप करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। उसके बाद का जो प्रक्रिया वो प्रक्रिया सेव मैंने आप पिछले वीडियो में बताया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जब इनका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा तब फिर आपको मैं एक नया वीडियो दे दूंगा जिसे मैं आपको CSC रजिस्ट्रेशन करके पूरी चीज़ विस्तार से बताऊंगा। CSC रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक भी चार्ज नहीं लगता है, सिर्फ आपको TEC सर्टिफिकेट का चार्ज लगता है। अगर आपके पास TEC सर्टिफिकेट ऑलरेडी है तब आप CSC रजिस्ट्रेशन करके फ्री में ले सकते हैं। ये TEC सर्टिफिकेट का कुछ दिन पहले फ्री में निकाला गया था, फ्री में हो रहा था लेकिन अब चार्ज ले रहा है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करेंगे आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के साथ बहुत जल्द। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।